नवादा में दबंगों ने दलितों की बस्ती जलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नवादा में फायरिंग करके 80 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है। मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन पर कब्जे और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह हिंसा हुई है। महादलितों की बस्ती को जलाया गया है और आरोप लगा है नंदू पासवान पर। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर किस तरह से महादलितों की बस्ती को जलाया गया है, 80 घरों को फूंक दिया गया है, ये देखिए किस तरह यहाँ पर सब कुछ, लोगों के आशियाने जल गए हैं, लोगों के खाने पीने का सामान तक जल चुका है, बर्तन भी जल चुके हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जो महादलितों की बस्ती है, यहाँ पर इतनी जबरदस्त हिंसा की तस्वीर सामने आई है। जमीन कब्जा करने और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के दो पक्षों में हिंसा हुई है। और नंदू पासवान पर आरोप लगा है कि उसने महादलितों की जो बस्ती थी उसमें 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। 2023 में यहाँ पर गोलाबारी हुई थी और हिंसा का इतिहास रहा है यहाँ पर। वही नवादा हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है और लिखा है कि बिहार में बहुजनों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, बहुजनों को बीजेपी और एनडीए डराते हैं, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है कि बिहार में बहुजनों के खिलाफ अन्याय हुआ है, बहुजनों को बीजेपी और एनडीए डराते हैं, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। हालांकि बिहार में जो बात निकलकर सामने आ रही है, यहां दलितों वर्सेस महादलित का मुद्दा उठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आरोपी है नंदू पासवान वो भी दलित समुदाय से आता है और जो महादलित बस्ती है उसको जलाया गया है। यहां पर ये मामला निकल करके सामने आ रहा है और इन सब के बीच महादलितों के दमन को लेकर के सियासत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट आया है और ये कहा है कि बहुजनों को बीजेपी और एनडीए डराते हैं। तो राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर को उजागर करता है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर के एनडीए पर निशाना साधा है। कभी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के लिए एक आध दुगो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को यादव ही लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित मांझी दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनका ये बयान सामने आया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो एक विशेष समुदाय है वो लगातार जगहों पर कब्जा कर रहा है और दलितों पर अत्याचार कर रहा है। Z News.